सो फ्रेंड्स, ये है पीसी बिल्ड जो मैंने बनाया है फॉर 4K एडिटिंग, गेमिंग करने के लिए भी, और कुछ बहुत एक्साइटिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम में काफ़ी कुछ यूनिक कंटेंट लेके आने वाला हूँ। सो ये पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स डाले हैं ये सब मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले क्वेश्चन आता है कि पीसी ही क्यों, बिकॉज जब मैंने इसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी, आप में से मतलब कुछ लोगों का ये मैसेज आया था कि आप मैकबुक भी ले सकते थे जो M1 चिप अभी लेटेस्ट आया है, या लैपटॉप में भी बहुत ऑप्शंस हैं। मैं अपना रीज़न बताता हूँ। सो मैं ये असूस ROG स्ट्रिक्स ये यूज़ कर रहा था पिछले 1-1.5 साल, जो भी आप YouTube पे वीडियोस देखते हो वो इसी पे एडिट होती हैं। रीज़न क्या था, ये हीटअप हो रहा था बहुत जल्दी, बिकॉज अब जो मेरा वीडियो प्रोडक्शन है वो 4K 30 या 4K 60 FPS पे है, जो मैं Canon R5 से शूट कर रहा हूँ, एंड उसका जो डेटा है वो लाइक इट गोज टिल 100 MBPS, और वहाँ पे एडिटिंग के लिए एक आपको बहुत अच्छा खासा मशीन चाहिए होता है। तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं लैपटॉप ले सकता था, बट मैंने PC इसलिए लिया बिकॉज मैंने ये सोचा कि मैं जो भी एडिटिंग कर रहा हूँ मैं सब घर से ही कर रहा हूँ, ना मैं ट्रैवल करते हुए एडिटिंग कर रहा हूँ, और मेरा जो भी एडिटिंग का काम है वो यहाँ पे ही स्टूडियो में हो रहा है। सो वाई नॉट गो फॉर अ PC, बिकॉज मैं अपना माउस है मेरे पास, कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन मॉनिटर भी मैंने रिसेंटली BenQ का लिया था, 24 इंच 4K मॉनिटर। सो एक यही चीज़ थी जो मुझे लगा कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स गए हैं उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद प्रोसेसर, अब इसमें प्रोसेसर जो डाला है वो है AMD Ryzen 7 3700X। इसका रीज़न है बिकॉज आई थिंक Ryzen 7 गेमिंग की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, एंड ये जो PC बिल्ड में जिसने मेरा हेल्प किया, जिन्होंने मुझे प्रोवाइड करा है, वो है मेक माई रिग। जय कपूर इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने जब ये प्लान करा था, आई थॉट कि जय को अप्रोच करते हैं, लाइक बहुत स्पीडी डिलीवरी है, 1 या 2 दिन में दिल्ली NCR में वो डिलीवर कर देते हैं। सो ही हेल्प मी बिल्ड दिस PC। तो एक रीज़न था, ऑब्वियसली ही सजेस्टेड मी दिस, मैंने भी कुछ रिसर्च करा था इन द पास्ट, तो मुझे ये एक अच्छा ऑप्शन लगा। अच्छा, प्राइसेस भी मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है, तो मैं आपको साथ साथ प्राइसेस भी बता देता हूँ। ये जो Ryzen 7 है, 7 3700X, इसका प्राइस है 29,000। सो ये 29,000 का बहुत मोटा खर्चा है, बट anyways, उसके बाद ये है Gigabyte का B700H। ये पावर सप्लाई है, बॉक्स देख के लाइक लगता है कि कुछ बड़ा अच्छा खासा होगा, बट दिस इज़ पावर सप्लाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप के लिए, सॉरी PC बिल्ड के लिए, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प करता है आपके PC के अंदर कैसे काम हो रहा है। सो ये इसका प्राइस भी आई थिंक अराउंड 5500 है। इनके लिंक्स Amazon के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चेक करना चाहते हो। सबसे मोटा खर्चा जो हुआ वो है ग्राफिक्स कार्ड में, और वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस PC के अंदर, बिकॉज जब हम एडिटिंग की बात कर रहे हैं सो ग्राफिक कार्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये ग्राफिक कार्ड है गैलेक्स GeForce RTX 3060 Ti, तो NVIDIA का है ऑब्वियसली 3060 Ti। तो ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, जो आई थिंक मेरे लिए आने वाले एटलीस्ट 2 साल में ये सारे पार्ट्स अभी फ्यूचर प्रूफ हैं। इसका प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड 42,000। सो सबसे महंगा पार्ट इन सब में यही है। उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की। अब मदरबोर्ड जो इसमें डाला है दैट इज़ X560 Aorus का Elite Wi-Fi। सो इसमें बेनिफिट क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये वाईफाई बेसिकली आपको इसके साथ ही मिलता है, ये है, एंड देन ये जो मदरबोर्ड है, एक्चुअली पहले मैं जैसे भी बात कर रहा था, जैसे एक मुझे मदरबोर्ड सजेस्ट करा था, बट वो मुझे लग रहा था कि मैं एक ही बार अगर पैसा लगा रहा हूँ तो 10,000 ऊपर एक्स्ट्रा लगा के मैं ये वाला मदरबोर्ड लगाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस मदरबोर्ड का जो मुझे प्राइस पड़ा वो है अराउंड 23,000 का, ये मैं Amazon के प्राइसेस बता रहा हूँ, तो लास्ट में मैं बताऊँगा मुझे टोटल कितने का पड़ा ये जो आप यहाँ पे PC देख रहे हो। सो ये है 23,000 का। उसके बाद लास्ट कुछ चीज़ें बचती हैं, SSD बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास PC बनाते हुए 2 ऑप्शन होती हैं, हार्ड ड्राइव या SSD। SSD इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बिकॉज मैं भी अपने लैपटॉप में भी एक्सटर्नल SSD यूज़ कर रहा था, तो इसमें Gigabyte का SSD यूज़ हुआ है, NVMe SSD 512 के, इसमें 1 TB है इन टोटल। सो इसका 512 GB का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड, कहाँ गया, हाँ 6,000 का आता है 512। देन उसके बाद रैम की अगर हम बात करें, सो ये Corsair की वेंजेंस LPX DDR4 है, तो मैंने इन टोटल 32 GB की रैम लगाई है, 16 GB के 2 हैं,
32 GB RAM क्यों? बिकॉज मैं 16 GB भी जा सकता था, बट एक टाइम जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार खर्चा हो रहा है तो एक साथ ही लगवाते हैं, तो मैंने 32 GB RAM लगवाया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एज सच इशू आए। इवन अगर मैं 4K या 60 FPS या 120 पे भी जा रहा हूँ जो मेरा R5 शूट कर सकता है। सो दैट्स इट। एट द एंड ये जो कैबिनेट है जो आप देख रहे हो, सो कैबिनेट में आगे यहाँ पे ये दो RGB फैंस दिख जाएंगे एंड इस तरह का ये कुछ कैबिनेट है। मुझे सही लगा, थोड़ा सिंपल भी, एट द सेम टाइम RGB जो ये इफेक्ट आता है ये बड़ा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, मुझे भी चाहिए था RGB था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो AMD का ये जो प्रोसेसर था, AMD प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आप एक कूलिंग सिस्टम देख रहे हो, ये भी आता है, इसको एक इसका एक टेक्निकल टर्म है, वो है प्रिज्म थर्मल सॉल्यूशन। सो ये RGB थर्मल सॉल्यूशन है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसके साइड में एक बहुत थिन लाइन है और अंदर जो फैन है वहाँ पे भी RGB इफेक्ट है, बड़ा कूल लगता है। रैम RGB हो सकता था बट इसमें RGB नहीं है, तो स्टिल इट लुक्स गुड। और यहाँ पे नीचे ये जो ग्राफिक कार्ड है इसके नीचे भी पूरा RGB है एंड यू कैन सी यहाँ पे बड़ा सही लिखा हुआ है, व्हाट्स योर गेम ? सो ये है इसका कैबिनेट। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, इनके इंडिविजुअल कॉस्ट मैंने बता दी और अंदर भी कुछ वायरिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा लगती है, तो इन टोटल जो मुझे इसका कॉस्ट पड़ा दैट इज़ अराउंड 125,000। सो अगर आप ऐसा कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो जो प्रॉपर 4K एडिटिंग के लिए है, 125,000 के आसपास मुझे ये पड़ा। इसके नीचे ऊपर भी मैं जा सकता था, 2 लाख के आसपास एक प्रॉपर हाई एंड PC बनता है, बट मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी इसमें काम काफ़ी हो जाएगा। सो दैट्स इट। बाकी आप लोग बताना, आप में से काफ़ी टेक्निकल लोग हो गए, आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या चेंज करा जा सकता था। बाकी मैं अभी और लाइव स्ट्रीम लेके आने वाला हूँ, मेरी नई सीरीज़ तो चल रही है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, बिहाइंड द कैमरा विद कुणाल। तो मिलते हैं आगे वीडियोज़ में, दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।